यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सिगरी, कैंडी और बहुत सी जगह। तो 3 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद हम थोड़ा सा थक चुके हैं, तो हम आ गए हैं चाय पीने अन्ना के साथ। He's with us, Mr. संजीवा, right? Yes. छोटा सा हम लेंगे टी ब्रेक, खाएंगे थोड़े बहुत स्नैक, पियेंगे चाय और फिर से चल देंगे अपने सफर पे। So, हमने ऑर्डर किया है 2 चिकन शॉर्मा, 1 egg बुलसाई, इज अ वेरी डिफरेंट नेम, देखने में तो बर्गर लग रहा है बट बुलसाई क्यों है आई डोंट नो। ही विल ईट एंड ही विल लेट अस नो व्हाई इट इज कॉल्ड बुलसाई। मिस्टर संजीवा, व्हाई इट इज कॉल्ड बुलसाई? एंड इसके साथ में चाय। चाय भाई तो हमने पी लिया, लेकिन यार चाय में ना मज़ा नहीं आ रहा श्रीलंका में। जहाँ भी जा रहे इतनी ज़्यादा मीठी चाय मिल रही है कि पी नहीं पाते। मैंने तो आधी चाय छोड़ भी दी, पीने का मन ही नहीं किया। शॉर्मा जो है वो तो ठीक ठाक था। अब यहाँ से सिगरी करीब 40 किलोमीटर और बचा है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सिगरी एंड देन विल स्टार्ट आवर रॉक क्लाइंबिंग टू लायंस रॉक। सो कार हमने यहीं पे खड़ी कर दी है, अब यहाँ से हमें वॉक करते हुए जाना है सिगरी रॉक के, वहाँ पे वहीं मिलेगी टिकट और फिर वहाँ से हम करेंगे चढ़ाई शुरू। बट धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू वेयर अ कैप। यहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा पानी लेना भी एक सही आइडिया रहेगा। सो अगर आप 50 सिगरी रॉक अगर प्लान कर रहे हो तो पानी ज़रूर लेना, ये भूलना मत कभी भी। टू सिगरी लायन रॉक, यहीं से जाने का रास्ता शुरू हो चुका है। दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं आर्च जैसा, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तो सिगरी रॉक हम पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पहुँचेंगे, टिकट लेंगे और फिर असली चढ़ाई शुरू होगी। अभी वार्मिंग अप चल रहा है। क्या बड़ा साहब, या अभी वार्मिंग अप हो रहा है एंड इट्स अबाउट 200 मीटर हाई। जो रॉक जो है वो 200 मीटर ऊंचा है। ये सिगरी रॉक का छोटा भाई। दिस इज द एडवाइस फॉर फॉरेन टूरिस्ट। सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन बी सीन अराउंड दिस सिगरी प्रीमिसेस, भाई देख लो ये सारे जानवर और जीव जंतु मिल सकते हैं इसके पास। ग्रीन वाइन स्नेक, ओह माय गॉड, सारे फॉरेनर्स आ रखे हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन श्रीलंका। टिकट जो है, टिकट मिलेगी हमें म्यूजियम के अंदर, सिगरी म्यूजियम के अंदर। सो वहीं चलते हैं। ये आ गई सिगरी म्यूजियम और इसके अंदर मिलेगी टिकट। ये रहा टिकट काउंटर, सिगरी फॉरेन टिकट अडल्ट्स के लिए $36 और बच्चों के लिए $18। द गुड थिंग इज कि अगर आपके पास पासपोर्ट की हार्ड कॉपी है तो आप टिकट को हाफ रेट में ले सकते हो। हाफ रेट फॉर सब कंट्रीज आर इशूड ओनली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल पासपोर्ट। तो जो $36 पर पर्सन रेट है वो $18 हो जाएगा अगर पासपोर्ट है तो। स्कूल टिकट्स, थैंक यू। सो भाई लोग हमने ले लिए अपने टिकट और हमें पासपोर्ट दिखाने से मिला 50% डिस्काउंट, तो अगर आप सिगरी आए हो तो पासपोर्ट जरूर लेके आना। हेलो, टिकट स्कैन की लगेगी, वैलिडेटेड, थैंक यू। लोटस पॉन्ड, अभी लोटस तो खिला नहीं है बट कलियां आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा तो खिलने लग गए। तो हम लोग इस पहाड़ी के ऊपर जाके चढ़ने वाले हैं सिगरी लायन रॉक। ये है वाटर गार्डन। फाइनली हम रॉक के पास आते हुए, जैसे जैसे हम रॉक के पास आ रहे हैं गर्मी हमारे पास आ रही है। ये बड़ा सा पूरे जोश में दौड़ते हुए, जैसे इंजन को हम फुल आरपीएम में चलाते हैं वैसे बड़ा सा भी फुल आरपीएम में चल रहे हैं। ये है बोल्डर्स आर्च। बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर होता है। तो ये देखो, जैसे ये दो बड़े पत्थर, एक ये और एक ये, दोनों का जैसे आर्च जैसा बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बोल्डर्स आर्च। चढ़ाई की शुरुआत में आपको कैसा लग रहा है?
मजा आ रहा है। यही सवाल आपसे चढ़ाई के अंत में भी पूछा जाएगा। चढ़ाई की शुरुआत में तो मजा आ रहा है, और सेम इसी स्पॉट पे जब हम घूम के आएंगे फिर से यही सवाल खुद से करेंगे और फिर पूछेंगे और फिर देखते हैं क्या है जवाब। ये एक तरह से छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। यू कैन कैच योर ब्रेथ बिफोर यू कंटिन्यू योर जर्नी। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और टाइम टू टाइम पानी पीते रहें, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा लंबा है अभी। इन झाड़ियों की वजह से ऊंचाई तो नहीं दिख रही होगी, बट हम काफ़ी चढ़ के आ चुके हैं, लेकिन असली चढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो स्टील स्टेयर्स हैं यहाँ से और सीधा ऊपर तक, मस्त वर्कआउट हो रहे हैं। शायद पहले ये भी रास्ता हुआ करता होगा, लेकिन ये टूट गया है तो इन्होंने फिर शायद ये नया रास्ता बना दिया होगा यहाँ से। क्या बेहतरीन नज़ारा आ रहा है यहाँ से, मस्त एकदम। और कुछ भी बोलो यार, मौसम तो साथ दे रहा है, ठंडी हवा और कभी कभी धूप चली भी जाती है, तो मज़ा आ रहा है। बड़ा साहब ने यहाँ पे समाधि लगा ली है, बोल रहे हैं कि अभी नहीं जा रहा मैं ऊपर। तो बड़ा साहब कैसा लग रहा है? गुड, स्टिल हाउस द जोश, स्टिल हाई, ओह वेरी गुड, डबल थम्स अप। यहाँ पे इन्होंने दो सीढ़ियाँ बना रखी हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो है, सो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस आई गेस। ये इनका पॉन्ड था जिसमें पानी जब इकट्ठा होता था तो सोल्जर्स जो हैं, सैनिक यहाँ से पानी पीते थे, राजा के जो सैनिक थे। ये सीढ़ी हमें सीधा टॉप पे लेके जाएगी, टॉप ऑफ द सिगरी लायन रॉक। फाइनली वी आर ऑन द टॉप ऑफ द रॉक, अराउंड 200 मीटर्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इट्स अ नो ड्रोन जोन, मतलब कि यहाँ पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो जो भी 360 व्यू यहाँ से पॉसिबल है वो दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, कुछ खास बचा नहीं है। यू कैन सी कि जो भी चीज़ें बनी थी सब टूट फूट गई हैं, खाली सीढ़ियाँ और थोड़ी बहुत कुछ दीवारें बची हैं। देखते हैं नेम बोर्ड पे अगर कुछ बचा हो तो वो भी नहीं है। ये देखिए नेम बोर्ड भी सब साफ हो चुके हैं, लगता है इन्होंने मेंटेन नहीं किया इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है, साउथ पैलेस कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे साउथ पैलेस रहा होगा राजा का। अगर हम इस मैप को देखें तो इसके हिसाब से वो दूर जो दिख रहा है दैट इज वाटर गार्डन, उसके बाद में ये बोल्डर गार्डन यहाँ पे पत्थर सारे हैं, और फिर नीचे स्टेयरवे के बाद में ये रॉक शुरू हो जाता है। सेंट्रल बेदिंग, एंड ये टूट गया बट आई थिंक ये पूल होगा, सेंट्रल बेदिंग पूल, यानी कि ये था इनका स्नान का, यहाँ पे ये नहाते थे राजा महाराजा लोग, आके इसी में गोताखोरी करते होंगे। और ये रही, फाइनली हमें मिल गई है राजा की गद्दी, थ्रोन। यहाँ पे राजा बैठा करता होगा अपने टाइम पे, जब ये ऊपर पूरा ये महल जैसा होगा और यहाँ बैठता होगा राजा। ये राजा की गद्दी का टॉप व्यू, और यहाँ पे जैसे ये नाली जैसी जो दिख रही है, दिस इज दी ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ से पानी जाके उसके थ्रू होते हुए वहाँ निकल जाएगा। यहाँ से राजा का कुछ ऐसा व्यू दिखता है, वाह क्या बात है। सीट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ये जो है यहाँ पे ये रेन वाटर है, बट ऐसा ही एक छोटा सा पूल यहाँ पे भी है, बट ये पूरा सूखा है, देयर इज नो वाटर। क्या पता यहाँ से कहीं ड्रेनेज सिस्टम कुछ होगा, पानी चला गया होगा। ये रहे बंदर, हमने वही सोचा यार कि पहाड़ है और बंदर नहीं दिख रहे, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है, फाइनली दिख गए। कुछ भी बोलो, मौसम ने तो यार मज़ा दिला दिया, इतना अच्छा मौसम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था कि गर्मी होगी, धूप होगी, बट जस्ट लुक एट दिस मौसम, इट्स जस्ट अमेजिंग। उतरते समय का नज़ारा कुछ और भी बेहतर है। तो भाई फाइनली हमने 1202 सीढ़ियां चढ़ के और उतर गए, रॉक का विजिट हमने कर लिया है। और कैसा लग रहा है बड़ा साहब? वेरी गुड, स्टिल पावर है यार, स्टिल द जोश इज हाई। चढ़ने में जितना टाइम लगा उसके आधे से आधा टाइम उतरने में लगा,
एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बट जो मैक्सिमम चीज़ें वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और या फिर कर दी गई हैं पुराने राजाओं महाराजाओं द्वारा, बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है ऊपर एक्सेप्ट दैट 360 डिग्री व्यू। सो अगर आपको व्यू देखना है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारी कार जो है वो थोड़ी दूर पार्क हो गई है, हमें पता नहीं था कि इसमें पास में भी पार्किंग है, तो इतना हमें चल के जाना पड़ेगा। अभी ये बेचारे भी लगता है हमारी तरह ही भटक रहे हैं। तो यार प्लान तो ऐसा था कि कैंटी में हम स्टे करेंगे, होटल लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। बेसिकली ये बुद्धिस्ट प्लेस है, सो महात्मा बुद्ध के जो टेम्पल्स है वो काफी यहाँ पे, एंड बोला जाता है कि उनके रिमेन्स जो है वो अलग अलग जगह पे रखे गए थे, सो जो टूथ है उनका वो यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा ऐसी कुछ खास जगह नहीं है, तो हमें लगा कि यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद हम नोरली जाएंगे। सो अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं, बट जाते जाते आपको हम यहाँ का साइट सीन जरूर दिखाएंगे। हमें लग गई है बहुत तेज भूख और जर्नी भी काफी लंबी हो गई है, तो पहले करते हैं डिनर फिर चलेंगे आगे की जर्नी।